कराची में मजहबी जमात की रैली निकालने के ऐलान के बाद पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ सड़कों पर सिक्योरिटी के सख्त इकदाम किए गए हैं, सड़कें बंद कर दी गई हैं। शारह फैसल की अपडेट लेते हैं हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह से। बताइए नज़ीर। मैं तो शारा फैसल पर मौजूद हूँ जहाँ मजहबी जमात की जानिब से आज एक मतलब फिर रैली आने का पैगाम दिया गया था, जिसके बाद पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी शारा फैसल और उससे मुतासिल जितनी भी मकाम है वहाँ पर तैनात कर दी गई है। एयरपोर्ट से मेट्रोपोल जाने वाला रास्ता यहाँ पर भी वाटर टैंकर और दीगर गाड़ियाँ खड़ी करके रास्ते को बंद किया गया, जबकि ये रास्ता जो मेट्रोपोल की जानिब जा रहा है यहाँ रेंजर्स की कई मोबाइलें खड़ी हैं। दफ़ा 144 के तहत 18, 19 और 19 अक्टूबर को पूरे कराची में पाबंदी आयद की गई है, 5 से ज़्यादा अफराद सड़क पर जमा नहीं हो सकते। काला पुल से शारा फैसल जाने वाला और शारा फैसल से काला पुल जाने वाला, इन दोनों रास्तों को बंद कर दिया गया है। वाटर टैंकर लगाकर आने जाने वाले रास्तों को बंद किया गया है। जुम्मे की नमाज के बाद का कहा गया था कि मजहबी जमात की जानिब से तीन तलवार और प्रेस क्लब की जानिब मार्च किया जाएगा, तो उस तनाजुर में ये सिक्योरिटी इकदाम किए गए हैं।